हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम टू MLPS ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में हम लोग मैट्राइसेस पढ़े थे और मैट्राइसेस में देखे थे कि मैट्राइसेस को कैसे मतलब डिनोट किया जाता है, कैसे उसे लिखा जाता है और किस तरीके से उसका सब मैटर होता था। उसमें हम लोगों ने इन्वर्स भी पढ़ा था, इन्वर्टिबल भी पढ़ा था, मतलब कई डिफरेंट टाइप के मैट्राइसेस पढ़े थे। और अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। और डिटर्मिनेंट्स में देखिए क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं। तो जैसे मैट्रिक्स मैट्राइसेज होता था, मैं उनको एक सिस्टम के थ्रू लिखा जाता था। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपको एक की लीनियर इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। अगर हमको इसको रखना हो किसमें, मैट्राइसेस के रूप में, तो इसको हम कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये उसको लिखेंगे A1 B1 A2 B2, ठीक है। और फिर इसको XY = C1 C2। ये भी एक सिस्टम होता है, लीनियर इक्वेशन को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, जो कि ये किस में है, मैट्राइसेस में है, ये मैट्रिक्स के रूप में हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका भी कंडीशन होता है। जैसे हम लोगों ने जब लीनियर इक्वेशन पढ़ रहा था क्लास 10th में, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि यूनिक सोल्यूशन कब होता है। तो हमें पता है कि जब A1 upon A2 डज नॉट इक्वल टू B1 upon B2 हो जाता था, तो उस कंडीशन में वहाँ पे हमें एक लीनियर इक्वेशन ऐसा मिलता था जिसका यूनिक सोल्यूशन होता था, ठीक है। अब हम लोगों को क्या देखना है, अब ये सब चीज़ों के बाद हमें ये देखना है कि आखिर ये आता कैसे था, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं A1 B2 minus A2 B1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये स्थिति बनती है तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, यूनिक सोल्यूशन देगा। अब बात आती कि अब इसी सब सिस्टम को अगर मैं एक फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, उसे ही अब क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। जैसे यही है, इसको अगर मैं रेक्टेंगुलर एराय में न लिख कर एक सिर्फ ऐसे ऐसे लिख दिया जाए तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। और इसे हम मॉडुलस नहीं पढ़ते हैं। ये देखिए, अगर यहाँ पे 1 2 लिख दिया जाता है ऐसे, ठीक है, और ये मॉड ए लिख, तो इसे मॉड ए नहीं, ये क्या डिटर्मिनेंट ए है, मॉडुलस ए नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आगे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं एक आप लोगों को ये दिखा दिया कि ऐसे मैट्राइसिस में होता था तो लिख सकते थे। अब मैं थोड़ा सा और कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिएगा। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, देखिए, तो ये इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन आता है, मतलब हर बहुत लॉन्ग हमें जब कैलकुलेशन करना पड़ता है तो हम डिटर्मिनेंट्स को पढ़ते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से, तो इस डिटर्मिनेंट्स में हमें पढ़ना क्या है, तो इसमें कोफैक्टर निकालना है। इसमें हम कोफैक्टर देखेंगे, माइनर देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से इनवर्स भी फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट में हम लोग चीज़ों को फाइंड करेंगे। अब देखिएगा कि आखिर डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं, तो हमें NCERT से कवर करना है। तो देखिए, NCERT में जो डिफिनेशन दिया है कि अगर कोई भी, सबसे पहले ये है कि डिटर्मिनेंट्स को हम क्या करेंगे, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में ही हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को, ऐसे कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो NCERT में दिया डिफिनेशन उसको लिख कर दिखाता हूँ। जैसे कह रहा है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएटेड और नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, इसमें क्या हो सकता है कि हमेशा, जैसे मान लीजिए ये लिखा है मैट्रिक्स के रूप में, ये ए है, मान लीजिए A B C D, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी स्क्वायर मैट्राइसेस को हम अगर चाहें तो इसको ऐसे A B C D इस फॉर्म में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है।
अब हमको अगर देखिए जैसे अभी यहाँ पे दिखाते हैं कि ए इक्वल टू मैट्राइसेस ऐसे दे दिया हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दिया हो। अब हमें अगर कहा जाए, अब देखिए ये क्या है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, तो इसे हम मॉड ए के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसीलिए इसको नहीं लिखेंगे। ये था नॉर्मल चीज़ है। अब बात आती है कि इस मैट्राइसिस को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए अगर हमें इस एक मैट्रिक्स लिखा हो, दिया हो, अगर सपोज दैट एक डिटर्मिनेंट ए बी सी डी दिया हो, तो हम इसको इसमें और इसको इसमें एक्सपेंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या आता है, ए डी, अब यहाँ पे माइनस आता है सी बी, ये इसका कंसेप्ट होता है, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर 3 कॉलम वाला दे दे, 3 रो वाला दे दे, तब उसको कैसे करते हैं, जैसे देखिए अगर हमको अभी यहाँ पे ये दे दे ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर ऐसा ही डिटर्मिनेंट हमें दिया है, तो इस डिटर्मिनेंट को जब हमें एक्सपेंड करना होता है तो उसको कैसे करते हैं, इस चीज़ को देखिएगा। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अगर इसको करना, तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट है, इसको मॉड ए नहीं पढ़ेंगे, बार बार मैं बता रहा हूँ, मॉड ए नहीं पढ़ना, इसको डिटर्मिनेंट ए ही पढ़ना है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले -1 के पावर रो प्लस कॉलम, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है -1 के पावर रो प्लस कॉलम, और उसके बाद जिसके अलॉन्ग हमें क्या करना होता है, फैक्ट एक्सपेंड करना होता है। तो मैंने फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट कॉलम लिया, ठीक है, देखिएगा मैं इसको ले रहा हूँ, इसको इसके अलॉन्ग मैं कर रहा हूँ, इसके अलॉन्ग फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम के, तो ये पूरे इसको देखिए, इसको ख़त्म कर देंगे, इसको बंद कर लीजिए, ठीक, और इसको बंद कर लीजिए। अब हमें क्या दिखा रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ई लिख लीजिए, एफ लिख लीजिए, एच लिख लीजिए, आई लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और प्लस अभी रो प्लस कॉलम, ये क्या है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब फिर आगे -1 के पावर रो प्लस कॉलम, तो अब हमें क्या लेना है, सेकेंड वाला लेना है। तो जब हम सेकेंड लेंगे, यानी क्या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ऐसे कर देंगे। और क्या, अब इसको मैंने पूरा ले लिया और इसको ले लिया, क्या बचा, डी एफ जी आई, यहाँ पे लिख दीजिए डी एफ जी आई, ये आ गया, ठीक। अब प्लस फिर -1 के पावर रो प्लस कॉलम, तो रो क्या है, 3 रो, सॉरी फर्स्ट रो है, 3 कॉलम है, तो फर्स्ट रो प्लस 3 कॉलम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको हमने लिया, तो ये पूरा, ये वाला पूरा बंद हो गया, ये खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, डी ई जी एच, तो यहाँ पे डी ई जी एच, ये इस तरह से मैं समझा रहा हूँ, आप लोग को आसान पड़ेगा। अब देखिए -1 के पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2, यानी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो गया। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई, इसको इधर से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, और जो देखिए ए है यहाँ पे, तो ए को उस यहाँ पे लिखते हैं, जिसके अलाउंग करते हैं उसको रखते हैं, तो यहाँ पे मैंने ए रख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए, यहाँ पे सी लिख दीजिए, जिसके अलाउंग करना होता है, तो ए लिख दिया मैंने, और इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया हमारे पास, आ गया ई आई, और बीच में क्या होता है, माइनस एफ एच, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अब -1 के पावर 1 प्लस 2 क्या होता है, क्यूब होता है, -1 के पावर 3, अगर -1 के पावर 3 हम देखिए -1 के पावर 3 करेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे निगेटिव हो गया, और निगेटिव क्या, बी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसको इधर, तो ये बन जाएगा आपका डी आई माइनस जी एफ बन जाएगा, ठीक। अब फिर इसी तरह से, अब देखिए -1 के पावर 1 प्लस 3, तो -1 के पावर 1 प्लस 3 4 हो जाता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए प्लस सी, और इसके बाद इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, डी एच माइनस जी ई, ठीक है।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं वैल्यू को, तो हमारा ये वैल्यू मिल जाता है ए ई आई माइनस एफ एच माइनस बी डी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जब हमें इस मैट्रिक सॉरी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना होता है तो किसी के अलॉन्ग हम कर सकते हैं। ये हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग किए, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग किए, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम के थर्ड फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग टू किए। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, एक एक्सपेंशन मिल गया, किसकी वैल्यू हो गई, ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिल गई, और इसी पे हमारा सब काम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कैसे एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।